मुसलमान कैसे करे? अच्छा, जनरल तो एक रूल नहीं है, इनमें बहुत से इस्लाम से जनरली खारिज नहीं कर सकते। इनका अकीदा जो है वो इस्लाम के मुखालिफ है, लेकिन हर तरह का शिया होता है, हर तरह के अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि आप एक वहां पे जो शाम में होते हैं वो अलवी कहा जाता है, वो अली के रब होने पर कायल है, बशार अल असद वगैरह जो है वो जो है तो दायरे से हम सुनते हैं, साफ जाहिर मुसलमान नहीं। मतलब जो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि जाहिल होते हैं बेचारे, पता नहीं होता है। तो जनरल एक रूलिंग नहीं है कि बिल्कुल ये है, जैसे कि आगा खानी के बारे में है, इस्माइली के बारे में, ये तो मुसलमान, लेकिन ये कम से कम थोड़े शिया जो है थोड़े हल्के हैं इनसे, कादियानी है, ये आउटराइट काफिर है, कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है वो कलमा भी पढ़ते हैं, मोहम्मद को रसूल भी मानते हैं, कबला भी हमारा इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता अहले बैत में मुबालगा करते हैं और अंबिया के अलावा दीगर लोगों को भी इस्मत देते हैं। तो कई कुछ लोग जो है वो जाहिल होते हैं, जिसके एक रूल कम नहीं है। बहरहाल सऊदी उलमा का जो है वो फतवा है, वो किसी को भी मुसलमान शिया, लेकिन बहरहाल वो जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में ऐसे नहीं कह सकते, मतलब एक रूलिंग हम नहीं दे सकते, एहतियात करनी चाहिए। आपसे कबर के बारे, कबर में ये सवाल नहीं होगा आपसे कि वो थे या नहीं थे, ठीक है? हमें ये उलमा का काम है, उलमा पे छोड़ दे, हम ज्यादा बेहतर है। हाँ, कायद मुशरिकाना कुफरिया ये सब है, ये इससे इनकार नहीं है, अकायद कुफरिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक शख्स के अकीदे में कुफर हो तो वो काफिर हो जाए, दोनों में फर्क है। जमात के बारे में पूरी पूरी जमात की तकफीर कर देना ये भी खतरा वाली बात है। हाँ, जो इस ये हम ये कह सकते हैं कि अकीदा कुफरिया है, लेकिन उसको काफिर कह देना तो ये इस पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर इसके मतलब इसका माल हलाल है, उसकी जान हलाल है हमारे लिए, उसका खून हलाल है, उस पर हद कायम करनी है मुर्तद होने की, ये सारी चीजें जो है वो फिर जजिया लेना है, ये सारी चीजें अहकाम मुरतब होते हैं। तो तकफीर मुअय्यन जो है वो हमारा काम नहीं, ये स्टेट और उलमा का काम है, हम इस पर नहीं पढ़ते। जी, बाब शफायत हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मबाद बाब कौलिल्लाह तआला, अल्लाह का ये फरमान, अगला बाब, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ये हिदायत के बारे में है बाब, की हिदायत सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। पिछले बाब में ये बयान हुआ था कि कोई शख्स शफायत के जरिए किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर, इसी तरह इस बाब में ये बात है कि कोई शख्स हिदायत के जरिए किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, कोई शख्स हिदायत नहीं दे सकता किसी को अल्लाह की इजाजत के बगैर, हिदायत अल्लाह के हाथ में है जैसे कि शफायत अल्लाह के हाथ में, ये बाब का एक रबत है। पिछला मुकम्मल नहीं हुआ था, पिछला मुकम्मल हो गया था, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के कॉल पर आखिरी हम पहुंचे थे, और मैंने इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जो है वो कॉल की वजाहत आपको बता दी थी, और मैंने कहा था कि आप फिर आप पढ़ लीजिएगा उसको। अल्लाह ताला का अब हिदायत के बारे में कुरान में दो तरह की आयत है, फतहुल मजीद शरू किताबत तौहीद और एक कौलुल मुफीद है, मेरे पास कौलुल मुफीद है शेख सालेह उसैमीन की, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं इसमें से लेता हूँ और कुछ पॉइंट्स जो है मैं दो तीन किताबें हैं शुरुआत हैं उसमें से लेता हूँ, जो मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ वो सिर्फ इस किताब कौलुल मुफीद में से नहीं होता सिर्फ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हिदायत के बारे में दो तरह की आयात कुरान में आई है, एक तरफ इस तरह की आयात है कि इन नका
लतहदी मन तशाउ इला सिरात मुस्तकीम, कि आप हिदायत देते हैं नबी, आप अलबत्ता यकीनन हिदायत देते हैं जिसको आप चाहें सिरात मुस्तकीम की तरफ। यहाँ पे इस साबित इस बात हो रहा है नबी का हिदायत देना जिसको वो चाहे इस बात हो रहा है। एक आयत ये है इन्नका ला तहदी मन तशा मन अहबबता, कि ए नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करें। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसका पहले भी शायद मैं आपको बता चुका हूं कि हिदायत की दो किस्में हैं, एक हिदायत रुश्द, एक हिदायत रुश्द व हिदायत तौफीक है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, तौफीक सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। और एक है हिदायत दलाला, दलाला दाल से हिदायत दलाला, जो राह दिखाने का माना है। तो वो तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, अंबिया भी यही करके गए। तो राह दिखाना ये हर कोई कर सकता है, लेकिन उस शख्स को राह उस राह पर उठा के डाल देना ये अल्लाह की जिम्मे, ये अल्लाह ही कर सकता है, इसको कहते हैं तौफीक। तो जहां हिदायत की नफी की गई है वहां से कौन सी हिदायत मुराद है? कौन सी हिदायत? रुश्द व हिदायत तौफीक। और जहां पर साबित किया गया वहां पर हिदायत दलाला मुराद है। फर्श वाली आयत कौन सी सूरत की है जी? कौन है हाफिज? मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी सूरत है, पता है किसी को? गूगल पे सर्च कर लें, हम चैंपियन है वैसे भी गूगल में सर्च करने में, तो गूगल पे सर्च कर लें आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी आयत। इन्नका लतहदी, ला नहीं है वहां पे, लतहदी। अगली हदीस है वफिस सहीह अन इब्न अल मुसय्यब, इब्न मुसय्यब फरमाते हैं अन अबी ही अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कौला फरमाते हैं قال لما حضرت ابا طالب جب حاضر हुई जी। कौन पढ़ेगा इबारत? कोई किसी को पढ़नी है? स्पीकर चल रहे हैं यहाँ पे, पता है कुछ? चल रहे थे, चले बिनते शाहिद आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुरू बाप से पढ़ो। फिस सही, फिस सही ही अन अभी मुसय्यब अन अभी ही قال لما حضر طالب الوفاة جاءه رسول الله وعنده عبد الله بن ابي امية। आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड आती है जी, अब पढ़े। लम्मा हजरत अबा طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي طالب ابي امية وابو جهل فقال له يا عمي قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال له اترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وابي ان يقول وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي يقول ايه يقول كيو ہے يقول كيو نہیں ہے ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے جی ان ناسبہ ہے جی فقال النبي یہ النبي کا اعراب کیا ہے یہ مرفوع ہے کیوں یہ فاعل ہوگا جی ماشاءاللہ آگے لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا في أبي طالب كيوں ہیں ابو کیوں نہیں ہے
हम तो अबू तालिब कहते हैं ना, फी की वजह से जर हो गया, तो जर जर अब ये जर यहाँ पे कैसे आएगा? ये जो अब है वो अस्माए खमसा में से है, तो इसका जो जर है वो या के साथ आएगा। अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहते हैं इनको, अबू अबा अबी, ठीक है, जा अबू का और आई तू अबा का व मरर तू भी अबी का, पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ जी। तो फी जो है वो हर्फ जर है, तो ये जर की हालत में इस पर या आ जाता है, अभी तालिब है जी। इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, सही है, ठीक है। हदीस में जो है वो ये है कि जब लम्मा हज़रत, हज़रत ये कौन सा सीगा है, मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा तस्निया क्या है ये, हज़रत हज़रा हज़रा हज़रु पढ़ाइए, हज़रत मोनस है ना, वाहिद मोनस गायब है, वाहिद मोनस गायब हज़रत। अभी हज़रत जो है इसका फाइल क्या है, क्या हाजिर हुई, हजरत अल वफातू ये फाइल है इसका, देखिए इसमें ता मरबूत आ रहा है, ये मोनस है इसलिए इसका फेल भी जो है वो मोनस आया है, ठीक है। लम्मा हजरत अबा तालिबिन, ये अबा तालिबिन, ये अबा क्यों हो गया यहाँ पे, हमने तो अभी अभी पढ़ा था, मंसूब क्यों है, क्या है, मफूल भी है जी, मफूल भी है, तो ये मफूल मुकद्दम है और फाइल मुअक्खर है, तो जब अबू तालिब पर वफात हाजिर हुई, जाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अबू तालिब के पास, वइंदहु अब्दुल्लाह इब्न उबै, वइंदहु अब्दुल्लाह इब्न अबी लिखा हुआ है, अबी उमैया, ठीक है जी, अबी उमैया, अबी उमैया था वो अबू जहलिन, तो रसूलुल्लाह गए अबू तालिब के पास, अबू तालिब के पास जो है वो अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया बैठे थे और अबू जहल बैठे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फकाला लहू, लहू में हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, अबू तालिब, या क्या होता है, हरफे निदा, अम्मी इसको क्या कहते हैं, मुनादा। अभी अम्मी क्यों हो गई, ये जेर क्यों आ रहा है इस पर, मुनादा क्या होता है, मरफू होता है ना, मरफू होता है, मुनादा ये नहीं होता, तो ये जम्मा क्यों आ रहा है इस पर, सॉरी इस पर कसरा क्यों आ रहा है, मुजाफ इलै नहीं, क्यों आ रहा है ये, जैसे हम कहते हैं या अल्लाह या रजुलुन, हाँ शाबाश, ये या मुतकल्लिम जिसकी तरफ ये मजाफ हो रहा था ये हजफ हो गया, तो जब भी कोई चीज मरफू, जब भी कोई चीज इस पर पेश आना चाहिए लेकिन जेर आ रहा है तो आगे हमेशा या हजफ हुआ होगा था होता है, ठीक है, जैसे कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी है, वहां पे नून पर कसरा है, तो वहां से जो है वो या जो है वो हजफ हो गया, इसकी जगह कसरा डाल देते हैं, तो या अम्मी का मतलब क्या है, मेरे चचा, मेरे चचा। कुल या नहीं आता, या अम्मुन लेकिन मेरे चचा है ना, असल में ये जो है वो मरफू ही है, ये मरफू ही, अम्मी भी मरफू ही है, लेकिन असल में चूंकि या की तरफ इजाफत हो रही है इसलिए उस पर पेश नहीं आ सकता, सही है, जैसे कि हाजा किताबी, मैं यूं तो नहीं कहता ना हाजा किताबुई, किताबी खबर है, तो खबर क्या होती है, मरफू होती है, जब मुब्तदा मरफू होता है खबर भी मरफू होती है, लेकिन किताबी पर जम्मा उसको रोक रहा है या मुतकल्लम, उसकी इजाफत, ठीक है। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चले अब बहुत अरबी की बहस हो गई, अब हम कुछ मसाइल पढ़ते हैं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए चचा जान, मेरे चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, कलिमतन
احاج لك بعند الله, یہ کلمہ یہ پڑھیں آپ, میں اللہ کے ہاں آپ سے یہ حجت کے طور پر پیش کروں گا. یہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. کتنا محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے, اور ان کے چچا جو ہیں وہ ان کو اتنا سپورٹ بھی کرتے تھے, ان کے دین کو بھی سپورٹ کرتے تھے, حتیٰ کہ وہ جو بہن تھا ان میں بھی ابو طالب جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے. جی, تو مطلب اللہ کی حکمت, اور اللہ کتنا غنی ہے کہ حج کے مراد یہ ہے کہ میں حجت نہیں جھگڑوں گا, نہیں حجت کے طور پر پیش کروں گا اللہ کے ہاں. حجت کے طور پر یعنی کہ اللہ تیرے اس بندے نے کلمہ پڑھا تھا, اب تیرے اس بندے نے کلمہ پڑھا تھا, میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں اللہ کے ہاں آپ یہ حجت پیش کروں گا. فقالا قالا قالا, ٹھیک ہے, یہ تسنیہ کا ہے. ان دونوں نے کہا, کن دونوں نے؟ ہاں, ابن ابی امیہ اور ابو جہل. اترغب عن ملت عبد المطلب, کہ آپ عبد المطلب کی ملت سے بے رغبتی کر رہے ہیں. ترغبو کے آگے جب اس کا صلہ ان آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی کرنا, اور ترغبو رغب یرغبو کے آگے اس کا صلہ فی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا. ٹھیک ہے, صلہ جو ہوتا ہے اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ترغبو عن بے رغبتی کرنا, ترغب فی رغبت رکھنا. ترغب عن ملت عبد المطلب, کہ آپ عبد المطلب کی دین سے بے رغبتی کرو گے. فعاد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ریپیٹ کی کہ اے میرے سچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں. فعاد, تو ان دونوں نے بھی یہ اپنی بات ریپیٹ کی کہ آپ پھر جائیں گے اپنے باپ دادا کے دین سے. فکان آخر ما قال, تو آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ کیا تھی؟ ہوا علی ملتی عبد المطلب. ہوا کون ہے؟ یہ خود ابو طالب اپنی بات کر رہے ہیں. ہوا یعنی ابو طالب جو ہے وہ عبد المطلب کے دین پر ہے. وہ ابا یقول, وہ ابا اور انکار کیا یہ بات کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استغفرن, میں ضرور بے ضرور استغفار کروں گا لکا آپ کے لیے, ما لم انہو انکا, جب تک کہ مجھے اس سے روکا نہیں جائے گا. فانزل اللہ, پس اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی. فابا ہے ابھی نہیں, ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, وعدہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا, سوائے اس کے جو انکار کر دے. ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. فانزل اللہ عز وجل, تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین, نہیں ہے نبی کے لیے لائق اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. روک دیا گیا اللہ کے نبی کو استغفار کرنے سے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اپنی ماں آمنہ کا بخشش طلب کروں تو مجھے منع کر دیا گیا. پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر پر جاؤں تو مجھے اس کی اجازت دی گئی. بریلوی نہیں مانتے آمنہ اور ابو طالب جو ہیں وہ کفر پہ تھے, بریلوی نہیں مانتے ہیں, شیعہ بھی نہیں مانتے ہیں. شیعہ نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, ان کی ماں والدہ آمنہ اور ان کے چاچا ابو طالب یہ مشرک تھے, یہ نہیں مانتے. واضح حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ ابو طالب جو ہے وہ اللہ کی حکمت دیکھیں آپ, اللہ کیا حکمت ہو سکتی ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان کو چچا کی ہدایت نہیں ملی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے کم تر درجے کا جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا, اور کم تر سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہوگا کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا. اچھا جناب, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفار سے روک دیا.
तो लिहाजा मुशरक के लिए मुशरक की नमाज जनाजा, मुशरक के लिए इस्तगफार करना ये नहीं कर सकते, ये आप लोग मनाए। जिस बारे में आपको पता हो कि ये शिरकिया अकीदे पर फौत हुआ है, जो आपका सवाल था, जिस खातून ने शुरू में सवाल किया था, तो इनकी नमाज जनाजा नहीं जा सकती दुनिया में, लेकिन इनकी नमाज जनाजा अटेंड नहीं की जा सकती, इनके लिए मगफरत तलब नहीं की जा सकती। हाँ मतलब हमें ये तो पता है कि वो शिरकी अकीदे पर फौत हुआ है, नहीं फाइनल नहीं हुआ, अभी भी हमारा फाइनल। जब आप किसी को काफिर कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप ये फतवा दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इसे कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, हमेशा हमेशा का जहन्नमी होगा। हाँ हाँ, हम जो है वो सिर्फ नमाज जनाजा से उनकी रुक गए, और इस बुनियाद पर कि वो शिरकी अकीदे पर फौत हुआ है, हम उसके लिए दुआ नहीं कर रहे, लेकिन हम फतवा जारी नहीं कर रहे कि हम इनको काफिर कह रहे हैं, नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा। तो लिहाजा ये जो है वो परहेज करना चाहिए, इमाम बारगाह वगैरह में जाके इनकी नमाज जनाजा पढ़ना, उनके लिए इस्तगफार करना, ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो शिरकी अकीदे पर मरे होते हैं, हत्ता कि ये पता ना हो कि वो सुन्नी हो गए। जो कुफर करे वो भी है, काफिर के लिए नमाज जनाजा कैसे पढ़ सकते हैं आप, काफिर के लिए आप दुआ नहीं कर सकते। तो ये जो हम लोग कह रहे होते हैं मे ही रेस्ट इन पीस, और मतलब एक काफिर एक्टर या मॉडल जो मरा होता है उसके बारे में सोशल मीडिया में जो है वो इस तरह की बातें आती हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस दे और इस तरह की बातें, काफिर है वो, काफिर की क्या दुआ करेंगे, मना है, हराम है, नबी को मना कर दिया गया। अगली अबी तालिब, और अल्लाह ताला ने अबू तालिब के बारे में ये आयत नाजिल की, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, बेशक ए नबी आप हिदायत नहीं दे सकते, यानी हिदायत रुश्द, मन अहबबता जिसे आप मोहब्बत करें, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला जैसे चाहे हिदायत देता है। इस बाब को हम बस इतना, इसमें कुछ बाब में है नहीं, अगला बाब हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इस बाब में भी मैं दो तीन बाब आके जो है वो इसी तरह गो थ्रू कराऊंगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे जो है वो इल्म नजूम जादू इस तरह के अबाब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश तो ये कि आपको वो कराऊं, क्योंकि आपका एक ही महीना रह गया है, एक महीना भी नहीं है। इस बाब माजा नसब बकुफरी बनी आदम व तरकिहिम दीनहुम हुवल गुलू फिल सालिहीन, ये इस बाब में जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ये जिक्र करेंगे कि बनी आदम के कुफर का जो बुनियादी सबब होता है, बनी आदम के कुफर का बुनियादी सबब जो होता है वो नेक लोगों में गुलूफ का इर्तिकाब करना, ये पहली सीरी होती है। गुलूफ से मुराद क्या है, गुलूफ से मुराद किसी शख्स को उसके लायक और मुनासिब मकाम से बहुत ज्यादा बढ़ा देना, या उसके लायक और मुनासिब मकाम से उसको उसको कमतर कर देना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गुलूफ से मुराद ये है कि किसी शख्स को, किसी चीज को उसके लायक और अप्रोप्रिएट या मुनासिब मकाम से बहुत ज्यादा बढ़ा देना, या उसको मुनासिब मकाम से नीचे गिरा देना। लिहाजा अहले किताब गुलूफ का शिकार हुए थे, यहूदी गुलूफ का शिकार हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कैसे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह वलदुज़्ज़िना कहा, वलदुज़्ज़िना कहा, तो लिहाजा उन्होंने जो लायक मकाम था उसको उससे नीचे गिरा दिया। नसारा जो थे उन्होंने भी गुलूफ किया, उन्होंने गुलूफ दूसरे पहलू से किया कि जो उनका लायक मकाम था ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको खुदा का दर्जा दे दिया, हद से ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये बुनियादी वजूहात में से, शिर्क और कुफर की बुनियादी वजूहात में से ये सबसे बड़ी वजह गुलव, गुलव जो है वो इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, अहले किताब अपने दीन में गुलव ना करो। गुलव में दोनों, हम उमूमन जो है वो
हाँ, गुलव में जो है वो दोनों माना शामिल है, एग्जैजरेशन भी है और तनकीस भी है। ठीक है, एग्जैजरेशन मुबालगा आराई, बहुत ज्यादा करना या हद से ज्यादा बढ़ा देना, एग्जैजरेशन है, और तनकीस भी, यानी उसमें उसको उसके लायक मकाम से गिरा देना, दोनों माना गुलव में आते हैं। अच्छा, आगे एक और कुरान की आयत है और फिर इसके बाद जो है वो इसमें एक हदीस है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततरूनी कमा तरत नसारा, मेरा मकाम तारीफों में ऐसे ना बढ़ा देना जैसे कि नसारा ने इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहि सलाम का मकाम बढ़ा दिया। इन नमान अब्दुन, इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं एक बंदा हूँ, फकूलू अब्दुल्लाह ही व रसूलू, तो लिहाजा अब्दुल्लाह और अल्लाह का रसूल कहो। अब देखते हैं हम अपने माशरे में भी कि नात लोग पढ़ते हैं और कवालियां पढ़ते हैं, इतना मुबालगा हो जाता है उसमें, यानी इतनी तारीफ है। अब देखें, ये रोक नहीं सकते फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये नसीहत कबूल कर ले तो आज बच जाते, लेकिन नात चूंकि अल्लाह के रसूल की तारीफ है, अब वो तारीफ में इतनी मुबालगा आराई होती है कि फिर उसमें शिरकिया कलिमात भी आना शुरू हो जाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते तो सही होता। तो लिहाजा बहुत ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकहा, हम इनको इमामुल अंबिया कहते हैं, सैयदुल अंबिया कहते हैं, सैयद अपने अभी अपने आदम कहते हैं, ये अलकाब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा मुबालगा आराई करना ये ठीक नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना किया है, क्योंकि इंसान फिर एक रेड लाइन जो होती है वो उसको क्रॉस कर बैठता है और पता नहीं चलता, लिहाजा इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली हदीस में फरमाया, इय्याकुम वल गुलुव, गुलुव से बचो, गुलुव से बचो, फइन्नमा अहलका मन काना कब्लुकुमुल गुलुव, बस इसके सिवा कुछ नहीं कि तुमसे जो पहले लोग गुजरे हैं उनको गुलुव ने हलाक किया था। वाज़े हदीस। अगली हदीस है इब्न अब्बास की, वो पढ़ लीजिएगा, मैं जो अहम अहम चीजें हैं बस मैं इसको गो थ्रू करा रहा हूँ। ठीक है, मुस्लिम की हदीस है, अपने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हलकल मुतनत्तियून, 3 दफा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुतनत्तियून हलाक हो गए, मुतनत्तियून हलाक हो गए। कौन है ये मुतनत्तियून? मुतनत्तियून वो है, मुतनत्तियून वो है जो बात की खाल को उखाड़ने उखाड़ने वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल नेटी जेटी इश्यूज में पढ़ने वाले, मिसाल के तौर पर वो इस तरह की बातें करते हैं कि अगर मैंने तकबीर तहरीमा कहनी है तो उंगलियां जो है वो बिल्कुल कितनी सीधी होनी चाहिए, आया कि इतनी या इतनी, या अगर मैंने जो है वो मिसाल के तौर पर हाथ धोने या रफुल यदैन करना है तो कितना मेरे कंधे के क्लोज, ये देखिए ऐसे लोग, इस तरह का तकल्लुफ वगैरह, ये मुतनत्तियून है। ये क्या है? ये तकल्लुफ, तकल्लुफ मुबालगा आ रही, गुलुव। अभी मैं जिक्र कर रहा था एक क्लास में ही, तो इब्न कई और वाला ने गाफतुल अहफान में ये बात, ये तकल्लुफ और गुलुव का बाब जो है वो बड़ा एक, उसमें बहुत ही अच्छी बातें की हैं। ये शैतान के वसवसों का बाब है। इसमें क्या, बहुत से लोग हम कहते हैं गुलूफ करते हैं कि यानी दीन के अहकाम में बहुत ज्यादा एग्जैजुरेशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये मिसाल दी। अब यानी बहुत से लोग इस तरह के बात की खाल जो उखाड़ते हैं ना, और इस तरह जो है मिसाल के तौर पर आप लोग देखते होंगे कि जब वो अल्लाह अकबर करके सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसकी किरत में इतना तकल्लुफ और गुलूफ करते हैं, और अलहम्द अलहम्द यानी उनसे वो हा निकालने में इतनी तकल्लुफ कर रहे होते हैं और गुलूफ कर रहे होते हैं, और वो अपनी किरत को इतना तोड़ तोड़ के पढ़े होते हैं, इतनी मुशक्कत से पढ़े होते हैं। ये है गुलूफ, ये है तनत्तु, ये बहुत ज्यादा मुबालगा करना, अपने आप को तकलीफ और मुशक्कत में डालना, यानी वो हा निकालने में जो है वो इतनी तकल्लुफ करेगा कि वो इमाम जो है वो सलाम में होगा और वो जो है वो रुकू वो उसमें ही यानी क्याम में ही होगा और अल हा निकाल रहा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, देखा आप लोगों, मतलब मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि आसपास जो नमाज पढ़ते हैं और इस तरह की समे अल्लाह हुली मन हमीदा,
यानी वो क्या चाह रहे होते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि हम एक एक हर्फ को क्लियरली पढ़ें। इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शैतान उनके कानों में वसवसा डाल रहा होता है कि तुम हरूफ की अदायगी सही नहीं कर रहे, तो जो ये शैतान उसके पीछे लगा हुआ होता है और वो हरूफ की अदायगी में बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर रहे होते हैं, एग्जैजरेशन कर रहे होते हैं। इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाह एक वाकया भी जिक्र करते हैं, एक शख्स आया इब्नुल कय्यिम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह से ही वाकया नकल करते हैं, इब्नुल जौज़ी जो अपने अक़ल से वाकया नकल करते हैं इगासतुल अहफान में ही है, वो कहते हैं कि इब्न उखैल रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं ठंडे पानी में वुजू करते हुए अपना मुंह पानी के अंदर डाल देता हूं और आंखें खोल देता हूं। वो मैं क्यों करता, वो इसलिए कि यानी वुजू का पानी हर कोई भी एक एमएम की जगह भी बाकी नहीं रहनी चाहिए, तो मैं वुजू का पानी इतना मुबालगे के साथ उसको इस्तेमाल करता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों के अंदर भी वुजू का पानी दाखिल हो और वो टब के अंदर अपना मुंह डुबो के बैठ जाता है और आखिर अंदर खोलता है पानी की ताकि वो पानी अंदर जाए और वुजू का पानी अंदर आंख के एक एक जगह जाए। तो इब्न उखैल के पास ऐसा शख्स आया और कहा कि मैं वुजू करते वक्त ये करता हूं, लेकिन फिर जब मैं मुंह बाहर निकालता हूं तो भी मुझे इत्मीनान नहीं होता कि आया कि पानी वाकई गया है या नहीं गया, तो क्या मेरी नमाज सही हो गई। तो इब्न उखैल फरमाते हैं मैं समझता हूं कि आप पर नमाज फर्ज ही नहीं है, आपसे नमाज साकित हो गई, इज़हब साकतत अनकस सलात, आप जाए आपसे नमाज जो है वो साकित हो गई, आप पर फर्ज ही नहीं है। पूछा नमाज है क्यों, कहा कि रुफ़ल कलम अन सलास, तीन लोगों से जो है वो कलम उठा दी गई है, उनमें से एक बच्चा है दूसरा मजनून है। तो मा राख अल्लाह मजनून, मैं तो तुझे मजनून समझता हूँ, तुम्हारे तो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, टब में मुंह डाल के जो है वो आंखें खोल के बैठा हुआ है, ये क्या पागलपन है। ठीक है, तो मकसद ये बताने, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें जिक्र की है, मकसद ये बताने का कि इसमें लोग बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर रहे थे। और इस तरह जैसे कि हाथ धोने में, अब वजू का वजू में तीन दफा हाथ मैक्सिमम धो सकते हैं, चौथी दफा दोनों गुना है, हदीस में आता है फमन ज्यादा फकत असा, कि जो शख्स ज्यादा करे तीन दफा से उसने बुराई की, उसने गुना किया। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं पानी धोते, अब वो समझते, अब शैतान उनके कानों में डाल होता है कि तीन दफा काफी नहीं है, तीन दफा नहीं हो सकता है, कुछ रह गया हो तो एहतियातन चौथी दफा भी धो लो। अब वो चौथी पांचवी वो धो ही रहा है बैठ के, ठीक है, तो साथ वाला पूरा वजू करके निकल जाता है, तो ये क्या है, ये वसवसों का शिकार है इंसान, ये वाकई रियलिटी, ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत, आप लोग शायद पता नहीं आपको वास्ता नहीं पड़ा, ये वाकई प्रॉब्लम है। नमाज में बार बार ये सूरह फातिहा दोहरा रहा है और उसको शैतान बार बार आके जो है वो यही वसवसे डाल रहा है कि तूने सूरह फातिहा पढ़ी नहीं, वो बार बार सूरह फातिहा पढ़ रहा है, ये तकल, अब ये एहतियात करना, मैं आपको बताऊं अहनाफ की हनफिया की फिक्ह में ये तकल्लुफ है, कैसे अहनाफ की फिक्ह में तकल्लुफ है, अहनाफ जो है वो हर चीज में एक एहतियाती चीज एहतियाती पहलू लाते हैं, जैसे कि जुमे की नमाज में, जुमे की नमाज के बाद वो क्या पढ़ते हैं, एहतियाती जोहर, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये एहतियातन हम जोहर पढ़े हैं, मतलब सुभान अल्लाह क्यों एहतियातन जोहर क्यों पढ़े हैं, क्या पता। अब ये जब इंसान वसवसों का शिकार होता है तो इस तरह की हरकतें करता है, और वो मिसाल के तौर पर वो नमाज पढ़ लेता है जोहर की या असर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ के फारिग होता है, शैतान इसके पास आता है और वो दूसरी दफा असर की नमाज पढ़ता है, कहता है कि पता नहीं पहली वाली कबूल हुई हो ना हुई हो, कोई खलल बाकी रह गया हो, एहतियातन मैं दूसरी नमाज पढ़ लूं असर की, तीसरी, तो फिर वो दूसरी पर भी क्यों रुका है, वो दूसरी पर भी ना रुके, पूरी जिंदगी असर पढ़ता रहे, क्या पता कौन सी कबूल ना हुई हो। इसी तरह अहनाफ की फिक्ह में हज के मामले में एहतियाती दम है, पता है आप लोगों की बात, एहतियाती दम, अभी कोई एहराम के एहराम का जो तोड़ने वाली चीजें हैं, हाँ उसमें से कोई किसी चीज का इर्तिकाब नहीं हुआ, तहजीरातुल एहराम जो है उसको उसका इर्तिकाब नहीं हुआ, लेकिन वो एहतियाती दम देते हैं कि क्या पता हो गया हो, क्या पता हो गया हो तो मैं दम दे रहा हूं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इस तरह इस तकल्लुफ इस गुलुफ की बहुत जगह नफी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाउम यौम शक से मना फरमाया है, सियाउम यौम शक क्या है, यौम शक का रोजा रखना, मिसाल के तौर पर 29वीं है, 29वीं है और बहुत ज्यादा बादल हैं,
तो आप कहें कि एहतियातन मैं रोजा रख लेता हूँ, हो सकता है कि वो चांद जो है वो कहीं बादल के पीछे घूम रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं कल अगले दिन जो है वो रोजा रख लेता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या है, वो एहतियातन अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, ये ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, ठीक है। अगले दिन का वेट कर लो, तीसवें का, अगर अगले दिन भी है तो फिर तो 30 से ज्यादा तो महीना होता नहीं है, तो ये तो अच्छा है कि वो शख्स जो है वो अगले दिन एहतियातन रोजा रख रहा है, वरना वो इतना तकल्लुफ भी कर सकता था कि जहाज लेके बादलों में चला जाए, देखे कहीं चांद दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इतना भी ये भी तकल्लुफ हो सकता है इंसान से। तो ये एहतियाती जोर एहतियात जो है उम्री इतना तकल्लुफ है वो एहतियात है। जो लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं उनको पहले ये बात होम दी जाती है कि तूने कजाए उम्री करनी है, अब वो ये सोच के वापस चला जाता है, मैं नहीं कर सकता भाई इतनी, मैं नहीं 50 साल की नमाज कजा कर सकता। सुभान अल्लाह, वो नमाज पे आया, अभी दीन पर आया बेचारा, उसको आप ये कह रहे हो कि बेटा अब तो तुमने जो है ना वो 20 साल की 35-40 साल की कजा करनी है, अब वो कजा पे कजा किए जा रहा है, उसकी कमर टूट गई बेचारे की, कर रहा हो। तो ये कजाए उम्री भी इसकी कोई दलील नहीं है, ये एहतियात की बुनियाद पर ये लोग कहते हैं, ठीक है, हनाफ कजाए उम्री के कायल है और वो एहतियात की बुनियाद पर। तो जिस चीज की दलील नहीं, पर अपनी जिंदगी सिंपल रखें, अहकाम शरिया बहुत सिंपल है, उसको सिंपल रखें, उसमें बहुत ज्यादा तकल्लुफ और एग्जैजरेशन ना करें। आवाज नहीं आ रही है ऑनलाइन, चले बस मैं यही बात कर रहा था कि अपने दीन को आसान रखें, अहकाम को आसान रखें, बहुत ज्यादा शैतान के वसवसों का शिकार ना हो। और ये जब इंसान इस बाब में दाखिल होता है, शैतान के वसवसों के बाब में जब इंसान दाखिल होता है, तो ये बाब बड़ा वसी है, तो उसको तहारत के मसाइल में भी शैतान तंग करता रहेगा, उसको नमाज में भी शैतान तंग करता रहेगा, रोजों में भी, हर तरह की इबादत में इंसान उतंग करता रहेगा, हत्ता के वो बिल्कुल नफसियाती हो जाएगा, बिल्कुल नफसियाती। जी एहतियात और गुलव में फर्क नहीं है, ये इस तरह के एहतियाती पहलू निकालना मकसद यही है कि ये गुलव है, ये गुलव है दीन में, बहुत ज्यादा तकल्लुफ है, एग्जैजरेशन है, यही बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मतलब ये ऐसे इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाह ने इस तरह के भी वाकया जिक्र किए हैं, मिसाल के तौर पर कि कोई शख्स है वो इतना एहतियाती पहलू है, इतना गुलफ करता है कि अगर कोई मक्खी आके उसके कपड़ों पे बैठ जाती है तो वो ये सोचता है कि ये मक्खी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आई होगी, और कहाँ कहाँ बाथरूम में भी गई होगी, और बाथरूम में कहाँ कहाँ बैठी होगी। जब इंसान सोचता है तो फिर पता नहीं किसकी सोच कैसे जाती है, वो बाथरूम से उड़ के मक्खी आई है मेरे कपड़ों पर बैठी है, और वो गंदे नापाक जर्रात जो है मेरे कपड़ों पर लाए, तो लिहाजा वो कपड़ों को धोते रहता है, मक्खी आ गई कपड़ों को धो रहा है, ठीक है, ये मॉस पेल लगा लगा के घूम रहा है। मतलब अजीब ही एक मामला है, अल्लाह मुझे नहीं पता। इसी तरह जो है वो मिसाल के तौर पर वो कोई शख्स जो है वो रोड से कीचड़ से चल के आता है, ठीक है, और वो सोचता पता नहीं पाँव पे कोई गंदगी कोई नापाकी लगी हो ना लगी हो, लिहाजा वो बार बार धोता रहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इस बारे में वाज़ेह हिदायत मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बाद में है यानी जो फुटस्टेप्स हमने बाद में लिए हैं वो पुरानी नापाकी को पाक कर देता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर बंदा चप्पलों में नमाज पढ़ता है तो अगर वो कीचड़ से आया है और नापाकी से गुजर के आया है तो बाद जो ड्राई मट्टी है या कोई ड्राई जमीन है उसको पाक कर देती है खुद ही। इसी तरह जो है वो एक सहाबिया ने अलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैं अपना बुरका अपना जो बुरका है वो मैं एक बारिश नीचे रखती हूँ, क्योंकि सहाबिया जो है वो ताकि हवा वगैरह आए तो वो उड़े तो सतर ना खुले, तो यानी एक बारिश जो है वो उनका बुरका लंबा होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हम कभी कभार जो है वो ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां पर गंद गुबार और नापाकी लग जाती है, तो उन्हीं कपड़ों में हम नमाज पढ़े, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि फिर
तुम उस गंद गुबार में से जाके फिर आगे जिन मट्टी और जिन जमीन की तरफ चलती हो तो वो चीज पाक कर देती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इंसान ये देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सहूलतें पैदा की हुई हैं, मतलब इंसान कहाँ कहाँ सोच सकता था, तो इंसान के लिए जो है वो मना कर दिया। मतलब इसी तरह एक शख्स को मैं ये सारी आपको दलायल दे रहा हूँ कि ये एहतियाती पहलू वाली जो फिक है ये इसको साइड पर रखें, ये हनाफ ने अपनी फिक में शामिल किया है, ये सही नहीं है, ये गुलफ का शिकार हो जाता है इंसान और फिर वसवसों के बाब में जाता है और फिर हलाक हो जाता है, हलक अल मुतनत्तियून। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से कोई शख्स नमाज में होता है तो वो जब शैतान उसके साथ खेल रहा होता है कि तुमने जो है वो गैस पास की है, ठीक है, हवा खारिज हुई है, तो अब इंसान को शक होता है कि पता नहीं हुई है नहीं हुई है, शैतान उसके साथ खेल रहा होता है, गेम कर रहा होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम तब तक नमाज ना तोड़ना, नमाज से ना फिरना जब तक कि तुम्हें बू ना आ जाए या आवाज ना सुन लो। ठीक है, अब एक इंसान आता है, मुझे तो नजला था, मुझे तो बू आ ही नहीं सकती थी, तो अब मैं क्या करूं, आवाज नहीं आई, लिहाजा वो शक में, अब शैतान उसके साथ खेल रहा होता है, उसकी नमाज खराब कर रहा होता है, और बिल्कुल मतलब ठीक है, आपको नजला है, आपको नहीं आ सकती, बू तो आवाज नहीं आई, तो जब तक ना फिरे। शक की बुनियाद पर मकसद यह है कि शैतान के अदना से शक में, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान जब नमाज पढ़ता है शैतान आता है और कहता है कि ये जो तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ी है ये सूरह फातिहा की पढ़ी है, तो तुमने सूरह फातिहा पढ़ी नहीं है, यानी इंसान जब सूरह फातिहा पढ़ता है और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता है और फिर सूरत पढ़ता है, तो शैतान कभी कभार आता है और ये कहता है कि ये बिस्मिल्लाह जो थी वो सूरह फातिहा की थी और तुमने सूरह फातिहा पढ़ी नहीं है, तो इस तरह के शैतान आके वसवसे डालता है और नफसियाती बनाने की कोशिश करता है। तो मकसद मेरा बताने का यह है कि सिर्फ अदना से शक, यानी एक इंसान जब उसको शैतान के ट्रैप्स का इल्म होता है, दीन का इल्म होता है, शैतान कैसे पकड़ता है उसको इल्म होता है, तो वो उसको पता चल जाता है शैतान की तरफ से शोशा है, उसने एक शोशा छोड़ दिया है, अब आपको वो तंग करता रहेगा, तो उसको फौरन से रेजिस्ट करें, फौरन से इसको इग्नोर करें। हाँ बहुत सारे कराइन हो, मिसाल के तौर पर आपने आप नमाज अभी स्टार्ट की है और आपको पता है कि आप सूरह फातिहा इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे दीगर कराइन मौजूद हैं, तो फिर ठीक है आप सूरह फातिहा पढ़ें, लेकिन सिर्फ अदना से शक में या शैतान के सिर्फ इस तरह के शोशों की बुनियाद पर आप एहतियातन दूसरी दफा सूरह फातिहा पढ़ लें, एहतियातन सजदा सहव कर लें, एहतियातन एहतियातन इस तरह की चीजें कर लें, तो ये मुतनत्यून, ये गुलव है, ये एग्जैजरेशन है, ये इंसान को बर्बाद करके छोड़ देगी। नहीं, यकीन की बुनियाद पर होता है शक की, अगर नमाज में शक हो गया है कि तीसरी रकात है चौथी है, तो यकीन की बुनियाद पर आपने इसकी बिना करनी है, और यकीन यानी ये तो यकीन है कि तीस तीस तीन रकातें हो गई हैं। यानी ये शक हो गया है, शक हो गया है, तो मतलब ये शैतान की तरफ से अदना सा शक नहीं है, यानी एक तरफ शोशा होता है शैतान का, वो ऐसे ही बस फेंक रहा होता है शैतान, पता चल जाता है इंसान को कि यार ये एक तरफ से एक ये बस फसा है, लेकिन एक तरफ ही होता है कि वाकई आपको शक हो गया है, पता नहीं आपने नहीं पढ़ी है और उसके कराइन भी रुझान की तरफ है, तो आप पढ़ें सूरह फातिहा। हाँ, अगर ये जैसे कि यकीन की बुनियाद पर आपने नमाज पूरी करनी है और सजदा सहव करना है, ये है, यकीन पर आपने नमाज पूरी करनी है और सजदा सहव आखिर में करना है, इंफरादी नमाज। सूरत को मिस किया, शक पुख्ता शक है या अदना सा शक है? नहीं, अगर सूरह फातिहा छूट गई तो इस सजदे साहब से पूरी नहीं होगी, क्योंकि सूरह फातिहा रुकन है, वो आपने नमाज दोहरानी है, या अगर मिसाली तौर पर आखिरी रकात छूट गई है तो आपने एक रकात दोबारा से पढ़नी है, ये रुकन है, ठीक है। दूसरी सूरत रुकन नहीं है, उस पर कोई आपके पर सजदे साहब नहीं है।
अक्सर ठीक है, तो मकसद ये है कि इंसान जो है बहुत ज्यादा मुबालगा आराई ना करे। इंसान जो है मिसाल के तौर पर गुस्ल में भी बहुत सारी तकल्लुफ कर रहा होता है और बिल्कुल जो है वो दबा दबा के वो जिस्म को धो रहा होता है, और इतना तकल्लुफ इंसान ना करे, अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए आसान बनाए, और अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी रखी है तो आप आसानी ही को तरजीह दें। सही है, अब कोई सवाल है तो हम देख लेते हैं। तो गुलफ जो है हर मामले में बुरी चीज है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलकल मुतनत्तियून, 3 दफा ये मुबालगा आरई करने वाले, चाहे वो अंबिया सालिहीन दीन अकायद फिक सब मामलों में मुबालगा आरई करने वाले हलाक हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आनाफ जो है वो उनकी मगरिब की नमाज थोड़ी सी लेट होती है, पता है ये बात। आनाफ की मस्जिद में जो रोजा इफ्तार करते हैं ना, तो उनकी मगरिब की नमाज जो है वो तकरीबन 10 सेकंड लेट होती है, या 7 से 8 सेकंड, पता है ये बात। नहीं, मगरिब की अजान, मगरिब की अजान की बात कर रहा हूं, अजान की, पता है ना ये क्यों होती है लेट, एहतियात। तो शियाओं ने जो है वो ज्यादा एहतियात की, उन्होंने 10 मिनट ही लेट कर दी, उन्होंने कहा हम ज्यादा एहतियात करेंगे, तो जितनी एहतियात उतना अच्छा, तो परेशान की तरफ भी कर सकते हैं लेट। तो ये अलग, ये हलाक सबसे अलग, नबी ने क्या फरमाया, लोग खैर पर रहेंगे जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करें। अहले हदीस की मसाजिद में जो अजान होती है आप देखेंगे, वो अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेगा तो आनाफ की मस्जिद में अजान होगी मगरिब की, वो ये एहतियाती पहलू जो है वो थोड़ा सा तयक्कुन, थोड़ा सा यकीन हो जाए क्यों इस तरह का तकल्लुफ हमें करना है। ठीक है, तो ये इनकी फिक्र में, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी फिक्र में एहतियात है, हर चीज में वो एहतियात का पहलू गालिब रखते हैं। और फिर इनकी अवाम में, यानी मतलब हम जो है देखते हैं कि जिंदगी बहुत तकलीफ दे हो जाती है, तकलीफ दे, मुझसे बहुत से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, यानी सवालों से अंदाजा होता है कि लोग वाकई इस तकल्लुफ का बहुत शिकार हैं। बार बार पूछते हैं कि हमें पता नहीं रहता कि नमाज में हमने सूरह फातिहा पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो मैं उनको यही कहता हूं कि पहले ये देखें कि ये अदना सा शक है या नहीं, क्योंकि ये होता, ये इंसान इस मर्ज में मुब्तला तब होता है कि जब वो शैतान के वसवसों को कबूल करने लगता है। शुरू में जब शैतान के वसवसों को कबूल करेगा इन मामलात में, तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, और हर चीज में अब शैतान उसके साथ खेलेगा शैतान, और फिर वो बिदआत में खुराफात में पहुंचता है कि मिसाल के तौर पर वजू 3 से ज्यादा दफा कर लिया, अब वो कुल्ली भी 5 दफा कर रहा है, पता नहीं मुंह के अंदर जो जर्रात हैं वो पूरे तरीके से साफ हुए, जैसे कि अभी इब्न कईम वाली मिसाल थी कि उसने क्या अपने मुंह के अंदर पानी डाल दिया कि आंखों के अंदर पता नहीं पानी गया नहीं गया, और फिर भी उसको इत्मीनान नहीं हो रहा था, सुभान अल्लाह। तो ये जो है वो इसमें हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए, यानी इन मामलात में हमें शैतान को इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। वो अदना से शक से इंसान खेलता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा तसाहुल के शिकार हो जाए, और मिसाल के तौर पर जो वो वजू करने के लिए जाए तो वो नल खोल के वो बस एक हाथ जो है वो अपना यूं लगा दे और जी वजू हो गया, अब मैं शैतान के वसवसों से बचा हूं और मैं जो है एक हाथ लगा के और इसने पानी यूं लिया और यूं मुंह पे मार दिया, बस मुंह भी धुल गया। तो ये एक एक्सट्रीम है, दूसरी एक एक्सट्रीम है, इल्म की बुनियाद पर इंसान जो है वो वसत पर चलता है, यह अहलुसुन्ना का वसफ है, वसत पर बैलेंस अप्रोच पे लेके चलता है, ना बहुत ज्यादा तसाहुल और नरमी होती है और ना बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती और तशद्दुद अपने ऊपर होता है। इंसान को इल्म होता है या इल्म होना चाहिए कि शैतान कहाँ कहाँ से आता है। इसके लिए मैं आप सबको तलबीस इबलीस इब्न जोजी की किताब है, इकासतुल अहवान इब्न कईम रहमतुल्लाह की किताब है, इसमें उन्होंने जो है वो मसाइद शैतान, पता नहीं उर्दू में तर्जुमा है कि नहीं है, उसमें मसाइद यानी शैतान के ट्रैप्स जो है वो उसको जिक्र किया है। औरत की नमाज में पंजा भी कवर होना जरूरी है? जी हाँ, कवर होना जरूरी है।
ठीक है, आप लोग जाएं, मैं सवालात देख रहा हूँ, कोई सवालात आप लोग जा सकते हैं। सलात तस्बीह की जो हदीस है वो इसमें उसकी सेहत में इख्तलाफ है, बाज उलमा के नजदीक सही है, बाज उलमा के नजदीक वो हदीस ज़ईफ है। हाँ ये सवाल है, मैं इसी चीज को बता रहा हूँ कि ये सवाल है कि एहतियातन सजदा साफ नहीं कर सकते, शायद गलती हो जाए, मैं इसी चीज से रोक रहा हूँ, एहतियातन एहतियातन ऑन द सेफ साइड ऑन द सेफ साइड, एहतियातन इस चीज को छोड़ दें, ये हलाक कर देगी इंसान को, ये आपकी जिंदगी तकलीफ में मुबतला हो जाएगी, पर इंसान जो है वो इतना शक की मिजाज हो जाएगा, वो अपने घर वालों पे शक करेगा, अपने बच्चों पर शक करेगा, पता नहीं ये मेरा बच्चा है नहीं है, ये मेरी बीवी है नहीं है, मतलब जब इंसान एक शक में मुबतला होता है तो वो सुबह उठे और वो बीवी का अपना चेहरा देखे, वो मेकअप नहीं हुआ हुआ, वो क्या कहेगा, पता नहीं ये मेरी बीवी है कि भी नहीं, नफ्सियाती हो जाएगा, पता नहीं ये मेरा बच्चा है भी या नहीं, ये क्या हुआ मेरे, पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं, मैं भी हूं या नहीं हूं, मतलब ये इंसान की शक की इंतहा है, उस तरह की हरकतें पे करता है। हाथ छुपाना जरूरी जी, हाथ और जो चेहरा है वो जरूरी नहीं छुपाना। जी हाँ, बाज़ उलमा कहते हैं कि जो पंजा है यानी औरत का जो पंजा है वो कवर होना चाहिए नमाज में। एंड ऑफ टाइम्स में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, सीरीज में नहीं, आप क्लास ले, बल्कि आप लोगों की क्लास होगी तो आप नहीं ले सकते। आप लोगों ने सुनना है तो इसका क्या हाल है मुझे नहीं पता, एडमिन से आप पूछ लें कि भाई हमें रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रही होगी, रिकॉर्डिंग और फेसबुक पे लाइव आ रहा होगा, तो फेसबुक पे जो चीज लाइव जाती है मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग भी बाद में हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह नमाज का वक्त हो रहा है तो आप लोगों की क्लास हो रही होगी, तो आप लोग जो है वो इंशाल्लाह क्लास लें और बाकी एंड ऑफ टाइम्स की आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। सुभानकल्लाह।